लाखों लाखों आदमी तारकेश्वर मंदिर में जाता है पैदल में, ये लोग थोड़ा खड़ा हो के खाना पीना खा के चाय शरबत पिए के थोड़ा रेस्ट ले के और पैदल में जाता है तारकेश्वर में, ये सेवा चलते ही रहेगा। ये बड़ी गर्व की बात है, किसी संस्था निरंतर 100 वर्षों से कांवड़ियों के सेवा करती आ रही है। आज रास्ता बहुत सुगम हो गया है। एक समय था जब लोग घुटने तक पानी में और कादे में चला करते थे, तब से सेवा समिति सेवा करती आ रही है। हम लोग श्रापित जाति के लोग थे जिसको फिर श्राप से मुक्त किया हमारे शंकर भगवान ने, और हमारे सारे कुल के जितने भी लोग हैं महेश्वर लोग सब महेश जी को सबसे उत्तम मानते हैं। हर बड़ी एक सेवा है, और मेरे को कभी कल्पना भी नहीं थी कि ये सेवा करने का मेरे को मौका मिलेगा, क्योंकि अपने 101 साल पूरा करके 102 साल में प्रवेश करके यहाँ सेवा कार्य कर रही है। विगत 100 सालों से यहाँ पे कांवड़ियों की हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आगे भी हम लोग ऐसे करते रहेंगे, 125वां साल बहुत धूमधाम से मनाएंगे। महेश्वरी सेवा सदन के अंतर्गत महेश्वरी सेवा समिति की तरफ से श्रावण के पावन मास में लाखों कांवरियों के सेवार्थ तारकेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के लिए इस साल भी हरिपाल वासुदेवपुर में श्रावण मेला शिविर लगाई गई है। इसका उद्घाटन राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने किया। उनके साथ हरिपाल के स्थानीय विधायक कार्वी मन्ना के साथ महेश्वरी सभा के सभापति बुलाकी दास मेमानी, महेश्वरी सेवा सदन के सभापति देव किशन मोहता, उप सभापति दिनेश कुमार विहानी, सचिव अरुण कुमार सोनी, उप सचिव पंचानन भट्टर उपस्थित रहे। मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि 101 वर्षों से यह संस्था निरंतर सावन महीने में तारकेश्वर जाने वाले व्यक्तियों को सेवा प्रदान कर रही है। खाने पीने से लेकर रहने और दवा तक की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता इन्हें चाहिए सभी सहायता तत्परता से मुहैया की जाएगी। देखिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है 101 साल के लिए तारकेश्वर जाने के लिए साबुनी मेला पर जाने के लिए जो आदमी लोग जाता है तीर्थ यात्री में सेवा करने के लिए 101 साल में ये सेवा कार्यक्रम चलता है। अभी यही साल में एक महीना में चलेगा, आज तक शुभ सूचना हुआ है। और हमारा इस इलाका में महेश्वरी सेवा समिति के आदमी लोग पास में है, ये लोग हर साल सेवा करता है। यहाँ एक तो डॉक्टर बोलता है, वो डॉक्टर सेवा भी करता है, और ये एक महीना धर के ये लोग सेवा करता है। जो लाखों लाखों आदमी तारकेश्वर मंदिर में जाता है पैदल में, ये लोग थोड़ा खड़ा हो के खाना पीना खा के चाय शरबत पिए के थोड़ा रेस्ट ले के और पैदल में जाता है तारकेश्वर में, ये सेवा चलते ही रहेगा। हमारा शिव जो है बाबा भोला जी महेश्वर जी का प्रार्थना करता है, जे महेश्वर सेवा समिति को और ताकत दीजिए, जो ये सेवा कार्यक्रम बहुत दिन से चले। ये शिव भक्त हैं बेचारा मन्ना, शिव भक्त हैं दोस्तों। और देखिए कि एक शिव भक्त होकर कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, वो युवाओं के लिए कितनी बड़ी बात कही। एक सवाल है कि 2 साल से कोविड को लेकर जो पाँव में बंधन लगा हुआ था और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग तारकेश्वर कब पहुँचे, और अब वो समय आ गया, सावन का महीना भी आ गया। शिव भक्त बेचारा मन्ना पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री हमारे साथ हैं स्क्रीन पर। सर कोविड के बाद अब हम लोग पूरी तरह से फ्री हो रहे हैं। मेरा भोलानाथ महेश्वर जी कोविड को ख़त्म करेगा जरूर। अरे साबुनी महीना का अंदर में ये कोविड ख़त्म हो गया, भोलानाथ शिव जी उनको ख़त्म करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मौके पर बुलाकी दास मेमानी ने कहा कि हम लोग सेवा शताब्दी वर्ष बड़े ही हर्ष के साथ मना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम 125 वर्ष में पदार्पण करेंगे उसमें भी बेहतर रूप से इसका आयोजन किया जाएगा।
आज 100 वर्ष इस संस्थान को यहाँ पूजा सेवा करते हुए पूरा हो गया है। ये बड़ी गर्व की बात है, किसी संस्था निरंतर 100 वर्षों से कांवड़ियों के सेवा करती आ रही है। आज रास्ता बहुत सुगम हो गया है। एक समय था जब लोग घुटने तक पानी में और कादे में चला करते थे, तब से सेवा समिति सेवा करती आ रही है। और आज इस कोविड काल के बाद में हम बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भगवान महेश की कृपा से ये श्रावणी सेवा कार्य बहुत सुचारू रूप से चलेगा। इस मौके पर देव किशन मोहता ने कहा कि महेश्वरी सेवा सदन सेवा करने के लिए अग्रिम संस्था के रूप में जानी जाती है। हम लोग श्रावण सेवा शिविर शताब्दी वर्ष के तहत कांवड़ियों को नींबू की शिकंजी, शीतल जल, खीर पूरी, खिचड़ी, चाय, एक्यूप्रेशर चिकित्सा व प्राथमिक उपचार की निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं और पूरे महीने भर इसकी निरंतरता जारी रहेगी। के महेश जी की हम लोग उत्पत्ति हैं, इसीलिए हम लोगों को महेश्वरी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग श्रापित जाति के लोग थे जिसको फिर श्राप से मुक्त किया हमारे शंकर भगवान ने। और हमारे सारे कुल के जितने भी लोग हैं महेश्वर लोग, सब महेश जी को सबसे उत्तम मानते हैं। और मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो कई बार कावड़ चढ़ाने के लिए आया था, तो इसी तरह से रास्ते में हम लोगों को जो विश्राम गृह मिलता है उसमें विश्राम करना पड़ता है, और जो खाने पीने का जो वहाँ पर रहता है वो आयोजन वो किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक सेवा है, और मेरे को कभी कल्पना भी नहीं थी कि ये सेवा करने का मेरे को मौका मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह, लेकिन ये अरुण जी सोनी का है, उसके माध्यम से शंकर भगवान ने उनको भेजा कि भाई ठीक है तुम इस सेवा में लगो, और वो अपने आप में इस सेवा में अपने आप आया हूँ इस तरह से, मतलब उनकी कृपा से आया हूँ, अपने आप से और कुछ नहीं आया बल्कि उनकी कृपा से आया हूँ। यही है कि अब ये सब तरह से ये एक महीना जो है हम लोग पूरी ठीक ढंग से सेवा कर सकें, जिसके लिए हमारे कार्यरत हैं सारे के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो अनुभवी हैं, यंग हैं, एनर्जी है उनमें, उत्साह है पूरा। तो ये महीना पूरा यहाँ पे काम में लगे रहेंगे, और ये जितने भी कावड़िए जो चल चढ़ा के शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं उनकी सेवा में हम लोग एकदम निरंतर लगे रहेंगे। इस अवसर पर दिनेश कुमार बिहानी ने कहा कि महेश्वरी सेवा सदन के अंतर्गत महेश्वरी सेवा समिति उत्कृष्ट कार्यों के लिए जानी जाती है। कांवरियों की सेवा के लिए हम लोग यहाँ महीने भर तक रहते हैं, और इसकी तैयारी 3 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है, और पूरे महीने हम लोग कांवरियों की सेवा में बिताते हैं। महेश्वरी सेवा समिति अपने 101 साल पूरा करके 102 साल में प्रवेश करके यहाँ सेवा कार्य कर रही है। विगत 100 सालों से यहाँ पे कावड़ियों की हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आगे भी हम लोग इसे करते रहेंगे, 125वां साल बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मौके पर सचिव अरुण कुमार सोनी ने भी सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया और कहा कि स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला है, तभी सावन मेला शिविर शताब्दी वर्ष समारोह इतने बेहतर ढंग से संपन्न हो चला है। उन्होंने कहा कि बाबा तारकेश्वर को जल चढ़ाने के रास्ते में कांवरियों की सेवा करना एक पुण्य का काम है, और हम लोग उस पुण्य के भागीदार बनने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज 100 साल ये पूर्ण हुए हैं, ये 100वां साल है जिसमें हम लोग कांवरियों की सेवा करते हैं। ये शिविर 100 सालों से लग रहा है, और हम महेश्वरी कांवड़ियों का सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं, और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से यह निरंतर चलता रहे ऐसी कामना करता हूं। मौके पर 101 वर्ष पूरे होने पर एक पोस्टर लोगों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव आदित्य विन्नानी, सेवा सदन सचिव महेश विन्नानी, कार्यकारिणी सदस्य केशव चांडक, रामदास तापड़िया, सुरेश कावड़ा के अलावा पुलु विन्नानी, गिरधर दास बागरी सहित कई लोगों की गरिमा में उपस्थिति रही। युवा शक्ति के लिए प्रकाश चंद्रा एवं अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।